हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम भी विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस आई एग्जाम भी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके SBI SO IT ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में, और आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ था कि मतलब फॉर्म को फिल कर दीजिए। सो आई होप सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। हम बात आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के बारे में, जहां पर आपके 784 पोस्ट हैं। और इस सीरीज में, इस वैकेंसी में हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं आपके सिलेबस की। मैंने यहाँ पर आपको जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट आने वाले आपके एग्जाम में, उनको यहाँ पर हम सिलेबस को जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है नेटवर्किंग के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको आप देख लीजिएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे आज हम। इंफ्रा सपोर्ट जो आपका 33 मार्क्स में आने वाला है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर क्या टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हमें देखने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये है आपका भाई एग्जामिनेशन का पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और जनरल IT आने वाला है, और इस पार्ट के बारे में बात करेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, 33 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है जी। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, जिसमें आपको होता है सिस्टम कॉल, प्रोसेस एंड थ्रेड्स, इसमें प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, कंकरेंसी क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और डेडलॉक क्या होता है। ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक्स है उनको यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मेमोरी क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, फिजिकल मेमोरी के बारे में बात करेंगे, मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे, पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल, LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर आपको भाई ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको PDFs चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, सो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराया था। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF होगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के, जो आपको टॉपिक है इंफ्रा सपोर्ट, इसके आप 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप वहां से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, इसमें आपका FCFS है, SJF है, SRTF है, राउंड रॉबिन है, इन सभी आपको जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये तो आप अभी तक पढ़ते आए होंगे, आपको इसका आइडिया भी होगा। कैश क्या होता है, कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, इनको आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, FCFS, SSTF, स्कैन, लुक, सी स्कैन, सी लुक, ये सभी आपको एल्गोरिथम जो है वो पढ़नी है। नेक्स्ट वर्चुअल मशीन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कैसे वर्चुअल मशीन काम करती है, उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल मशीन को कैसे उसमें सिमुलेशन जो है वो होता है। आगे बात करते हैं स्टोरेज सॉल्यूशंस की, जिसमें आपका SSD है, SSD है ना, इसमें आपको चीजें कैसे करनी है। फिर आपके नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राउटर क्या है, स्विचेस क्या है, फायरवॉल्स क्या है, वो आपको देखना है। बैकअप और रिकवरी के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, बैकअप प्रैक्टिस क्या है, रिकवरी प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, अगर आपको डेटा रिकवरी करना है या फिर आपको डेटा स्टोर करके रखना है, इन केस अगर आपका सिस्टम खराब हो जाता है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ भी चीजें हो सकती हैं, सो बैकअप एंड रिकवरी के लिए हम क्या क्या जो मेजर्स हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। आगे बात करेंगे सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की। ठीक है, सिक्योरिटी को थोड़ा हमें ध्यान रखना है, इसमें इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री के, उन पर भी आपको जो है ध्यान रखना है, वो भी चीज आपको जो है वो पढ़नी होगी। ठीक है, लास्ट में फिर आपका यूनिक्स और लिनक्स का जो विंडोज के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, विंडोज में यूनिक्स है, लिनक्स है, कमांड लाइन ओरिएंटेड के बारे में, ओपन सोर्स के बारे में, क्लोज सोर्स के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, सो ये आपके 10 से 11 टॉपिक थे जो आपको पूरे इंफ्रा सपोर्ट में आपको पढ़ने हैं, जो आपको देखने हैं, समझने हैं, इनके आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। PDF मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, उसको आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यही सब डेटा एक प्रॉपर वे में चाहिए, गाइडेंस चाहिए आपको अगर आई एग्जाम भी से, तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक कोर्स है, उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टडी नोट्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, GD इंटरव्यू गाइडेंस है और 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप खुद को उस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम बी के साथ, और 50% प्रिपरेशन आप फास्टर यहाँ पर
कर सकते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है उसमें मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। रेस्ट आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या वीडियोस चाहिए आप बता सकते हैं, सो हम वीडियोस आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, कुछ भी हो आप बताइए, टॉपिक भी आया यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% faster, thank you.